नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पीएन पटेल अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। अपना अगला क्वेश्चन है, स्तंभ आकृति बनाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इलेवंथ में बेटा आपने स्तंभ आकृति बनाई है, याद है ना, जो अपने ऐसे खड़ी होकर फिर ऐसे स्तंभ बनाते हैं, थांबले बनाते हैं, याद आया कि नहीं। तो ये स्तंभ आकृति है बेटा। तो स्तंभ आकृति बनाते समय कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखोगे। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। स्तंभ की चौड़ाई का मूल्य नहीं दर्शाती है बेटा। आप जो स्तंभ बनाते हो ना, तो जैसे इतने चौड़े बनाए बराबर या इतने बनाए, तो सभी स्तंभों की जो चौड़ाई होती है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। जो चौड़ाई है बेटा वो कोई माप नहीं दर्शाती है, पर अपने क्या है जो सभी स्तंभ बनाते हैं उसका माप अगर एक समान हो ना तो वो आलेख अच्छा लगता है। इसलिए अपने जो स्तंभ बनाते हैं उस समय क्या करना चाहिए बेटा, सभी स्तंभ है वो क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। यानी सबकी चौड़ाई, जो चौड़ाई कहते हैं ना अपने, वो चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। चौड़ाई कोई मूल्य नहीं दर्शाती है, पर चौड़ाई क्या होनी चाहिए, सबकी एक समान होनी चाहिए। आए समझ। सेकंड पॉइंट बेटा, प्रत्येक स्तंभ की लंबाई चल के मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए। चल के मूल्य का मतलब क्या होता है बेटा, देखो लंबाई जो है वो मूल्य दर्शाती है। जैसे पहले में 80 है तो 80 के हिसाब से स्तंभ बनाओ, दूसरा 60 का है तो 60 का स्तंभ बनाओ, तीसरा 10 का है तो 10 का बनाओ, फिर 50 का है तो 50 का स्तंभ बनाओ। तो स्तंभ वाले में क्या करना चाहिए, जो चल मूल्य दर्शाए, चल मूल्य समझते हो बेटा, मैंने आगे बताया आपको, जो खड़ी रेखा OI पर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, चल मूल्य। और ये जो चल मूल्य है बेटा, वो चल मूल्य के हिसाब से अपना स्तंभ की लंबाई बतानी चाहिए। आए समझ में। जो स्तंभ बनाते हो बेटा, जो इसकी जो लंबाई होती है, पहले का 100 है तो 100 लंबा, दूसरे का 80 है तो 80, तीसरे का 60 है तो 60, इस तरह लंबाई बतानी चाहिए। लंबाई बेटा मूल्य दर्शाती है। आगे समझ में। तीसरा पॉइंट बेटा, प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी समान होनी चाहिए एवं उद्गम बिंदु और प्रथम स्तंभ के बीच भी समान होनी चाहिए। जैसे आप बेटा स्तंभ आलेख बनाते हो ना, तो उसमें अपने जो स्तंभ बनाते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो स्तंभ बनाए तो पहले और दूसरे स्तंभ के बीच जगह थोड़ी रखेंगे, फिर तीसरा और चौथा स्तंभ बनाते हैं उसके बीच गैप ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं, आपने जो यहाँ से ग्राफ बनाते हो तो ये उद्गम बिंदु बेटा, आए समझ में, ये उद्गम बिंदु। अब ये उद्गम बिंदु से आप जब स्तंभ बनाते हो तो यहाँ से जितना माप छोड़ते हो तो बाजू में जब स्तंभ बनाओगे तो उतना ही माप छोड़ना चाहिए। समझ आए बेटा। एक बार फिर से मिलता हूँ, उद्गम बिंदु समझते हो ना, जो अपने ये आलेख बनाने के लिए ऐसा कोना तैयार करती है। अब यहाँ पर जो कोना है इसमें से ये जीरो अपने वो लिखते हैं वो, तो ये उद्गम बिंदु है। फिर यहाँ से स्तंभ बनाते हो आप, तो ये स्तंभ बनाया तो इसके बीच का अंतर और इसके बाद जो स्तंभ बनाते हैं उसका अंतर, फिर इसके बाद जो स्तंभ बनाते हैं, कहने का मतलब है सभी स्तंभों के बीच जो अंतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। सामान्य रूप से प्रत्येक स्तंभ एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है, उसे दर्शाए जाने वाले परिबलों के आधार कहते हैं। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर की मदद से ऊर्ध्वस्तंभी बदले क्षैतिज स्तंभ बनाने की भी पद्धति अधिक प्रचलित है। आड़ी रेखा OX नीचे की तरफ, ये आधार, आधार का मतलब है जैसे कोई वर्ष है, कोई देश का नाम है, कोई क्षेत्र का नाम है, तो ये आधार है बेटा। उसे अचल पद भी कहते हैं। तो ये अचल पदों को कहाँ दर्शाया जाता है बेटा, आड़ी रेखा पर, और उसी के हिसाब से स्तंभ ऐसे खड़े बनाए जाते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर में क्या होता है, क्षैतिज अक्ष पर भी बनाया जाता है। क्षैतिज अक्ष आप देखना कंप्यूटर में ऐसे आड़े स्तंभ होते हैं, खड़ी रेखा जो होती है ना OY अक्ष पर, ऐसे आप मैच देखते हो बेटा, तो मैच में कई बार क्या होता है, जो रन रेट बताया जाता है ना, तो अपने नॉर्मली क्या करते हैं, आपने इलेवन स्तंभ बनाया होगा तो आड़ी रेखा OX होती है बेटा, वहाँ पर अपने स्तंभ खड़े बनाए हैं ऐसे ऐसे। पर कंप्यूटर में क्या होता है, खड़ी रेखा पर बेटा स्तंभ बनाते हैं। ऐसा करेंगे
और फिर माप याद लिखेंगे जल पद, इसे आड़े स्तंभ बनाते हैं। डॉक्टर लोग भी ऐसा करते हैं कई बार, क्षति जक्ष पर भी बताए जाते हैं। समझ आ गया बेटा? वैसे तो स्तंभ खड़ी रेखा ओ एक्स पर बनाए जाते हैं, जो आधार दिए उस पर बनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम में क्षैतिज अक्ष पर भी ऐसे स्तंभ आड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, प्रत्येक ऊर्ध्व स्तंभ पर दी जाने जानकारी क्रम में बताया जाता है एवं प्रथम जानकारी के लिए स्तंभ उद्गम बिंदु की शुरुआत से बनाया जाता है। सुनना बेटा उसको। कई बार क्या होता है कि जो आलेख बनाने के लिए जो कोष्टक दिया है, सारणी दी है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि वर्ष है तो 71, फिर 91, फिर 51, फिर 41, ऐसे अलग अलग लिखे। तो आपको जब आलेख बनाते हो तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि वर्ष को लाइन में लगाओ, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ऐसे क्या करो, क्रम से लगाओ और पहली जानकारी को उद्गम बिंदु से स्टार्ट करो। उद्गम बिंदु तो आप समझ में आ गया होगा बेटा, यहाँ से जो अपने कोना बनाते हैं और यहाँ वो लिखते हैं ना, ये उद्गम बिंदु। तो 41 इधर लिखो, 51 इधर लिखो, 1961 इधर लिखो, 1971 इधर लिखो, 81 इधर लिखो, आए समझ में? तो बेटा ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में, प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई। ये देखो आप, ये क्वेश्चन क्या है, थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार से है बेटा। थियोरिकल इसलिए कि आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए कि स्तंभ वाले बनाते समय क्या ध्यान में रखोगे, तो ये मुद्दे आपको याद रखना है। और दूसरी बात बेटा कि जब स्तंभ आलेख बनाओगे तब आपको ये सब चीज़ें याद रख के बनाना है, जिससे आपका स्तंभ आलेख गलत ना हो जाए। बोर्ड में, 12वीं बोर्ड में बेटा 5 नंबर का आलेख होता है और वो 5 नंबर के आलेख में 2.5 नंबर यानी 2.5 जो आलेख बनाते होते हैं वो होता है और 2.5 विश्लेषण का होता है। विश्लेषण आपको समझ में आया, जैसे अपने 11th में बनाते थे मांग और पूर्ति की आकृति बनाते थे ना, वो आकृति बना लेते थे अपने, इसके बाद अपने आकृति में क्या क्या बताया है उसके बारे में अपने जानकारी लिखते थे, वो विश्लेषण है। तो क्वेश्चन बेटा एक बार मैं फिर से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। स्तंभ की चौड़ाई कोई मूल्य नहीं दर्शाती है। दूसरी बात है, प्रत्येक स्तंभ की लंबाई चल के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए। बेटा उसकी जो लंबाई है वो चल के मूल्य यानी कि जो लिखा है मूल्य खड़ी रेखा पर उसके हिसाब से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक स्तंभ के बीच जो दूरी होती है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, समान दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, आड़ी रेखा जो ओएक्स होती है ये आधार है और उसी पर स्तंभ आलेख तैयार किए जाते हैं, लेकिन अब कंप्यूटर के युग में खड़ी रेखा ओवाई पर भी ऐसे आले आले बनाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा, अगर आलेख बनाने के लिए जो सारणी दी है अगर वो जानकारी क्रमश ना हो तो उसे भी क्रम में लगानी चाहिए और क्रम में फिर वो जानकारी दर्शानी चाहिए और ये जानकारी उद्गम बिंदु से स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ से ओ लिखा होता है वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। आगे समझ में? तो बेटा ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूरा हो चुका है। धन्यवाद। नया क्वेश्चन लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा।